नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्किल ट्रेनर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी में जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारे पास डेटा है 2018 का। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली थी जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए 2018 में। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये एग्जाम हुआ था 13/11/2018 में। तो दोस्तों उस टाइम 2018 में 4,115 लोगों ने जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और दोस्तों उनमें से 2,669 बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था। तो दोस्तों अगर मैं उस टाइम कट ऑफ की बात करूं तो दोस्तों उस टाइम यूआर की जो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी वो थी 84.25% और दोस्तों लोवेस्ट कट ऑफ गई थी 58.75%। और दोस्तों अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी की हाईएस्ट कट ऑफ थी 57.75% और दोस्तों लोवेस्ट कट ऑफ गई थी 53.50%। और दोस्तों एसटी की कट ऑफ गई थी हाईएस्ट 56.75% और लोवेस्ट कट ऑफ थी 48.75%। और दोस्तों ओबीसी की हाईएस्ट कट ऑफ गई थी 58.75% और लोवेस्ट कट ऑफ गई थी 56.25%। और दोस्तों एक्स सर्विसमैन की हाईएस्ट कट ऑफ थी 64.75% और लोवेस्ट कट ऑफ थी 38.75%। और दोस्तों पीडब्ल्यू की हाईएस्ट कट ऑफ गई थी 48.25% और लोवेस्ट कट ऑफ गई थी दोस्तों 37%। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम हुआ था 2018 में। दोस्तों अब ये 2021 में 2 साल बाद ये वैकेंसी निकाली है गवर्नमेंट ने। और दोस्तों 2021 की DFCCIL की सबसे बड़ी वैकेंसी है गवर्नमेंट की। तो दोस्तों 2018 में काफ़ी कम लोगों ने 4,115 लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन दोस्तों 2021 में तकरीबन 10,000 के ऊपर बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। तो दोस्तों इस बार की जो आपकी कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। तो दोस्तों अगर मैं 2021 की हाईएस्ट या मिनिमम कट ऑफ मार्क्स की बात करूँ तो दोस्तों आपकी जो यूआर की कट ऑफ रहेगी इस बार की दोस्तों वो 92% के प्लस जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस बार आपकी दोस्तों यूआर की जो परसेंटेज होगी वो 92 के प्लस जाएगी और दोस्तों आपकी जो एससी की कट ऑफ होगी दोस्तों वो जाएगी 75% की प्लस, दोस्तों वो जाएगी आपकी 75% के ऊपर। और दोस्तों आपकी एसटी की कट ऑफ जाएगी 70% के आसपास में और दोस्तों आपकी जो ओबीसी की कट ऑफ होगी दोस्तों वो जाएगी 68% प्लस। जी हाँ दोस्तों, ओबीसी की जाएगी आपकी 68% प्लस। और दोस्तों आपकी जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ होगी दोस्तों वो जाएगी 72% प्लस, दोस्तों वो जाएगी आपकी 72% के आसपास में। और दोस्तों आपकी पीडब्ल्यूडी की जो आपकी मिनिमम मैक्सिमम कट ऑफ जाने वाली है दोस्तों वो रहेगी 65 और दोस्तों 55 के बीच में। ये कट ऑफ मैंने आपको ऐसे ही नहीं बताई है, ये कट ऑफ मैंने आपको काफ़ी रिसर्च करने के बाद में बताई है। दोस्तों अगर आप DFCCIL से संबंधित ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक